Morning class. This is our new pharmacology class in which we will study about the last drug of the chapter drugs acting on cardiovascular system, which is antiarrhythmic agents. Antiarrhythmic agents or antiarrhythmic drugs. Actually, first of all, we have to know that the cardiac muscles have some properties like excitability, rhythmicity, automaticity, contractility, conductivity and refractory period. देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको जो पॉइंट्स बता रही होती हूँ, आपके इस स्लाइड्स में नहीं लिखे हुए होते हैं, वो आप नोट डाउन कर लिया करें जो मैं बोल रही होती हूँ, क्योंकि स्लाइड्स में कुछ चीज़ें कई बार मैं डालती नहीं हूँ और कुछ चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा डली हुई होती है जो आपको वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती हैं. तो मैं जो वर्ड्स बोल रही होती हूँ उनके ऊपर भी आप जो है वो ध्यान दीजिए. तो मैंने आपको बताया कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स को अपन पढ़ें उससे पहले हमें कार्डिक मसल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि वो एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट हो सकती हैं, रिदमिसिटी रिदम में चलती हैं, ऑटोमेटिसिटी उनमें होती है, अपने आप वर्क कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी रखती है, कंडक्टिविटी कंडक्शन का काम करती है, रिफ्रैक्टरी पीरियड उनके अंदर होता है. अब एरिदमिया क्या होता है, इस स्लाइड में एरिदमिक एजेंट्स दिए हुए हैं, उससे पहले हमें एरिदमिया पता होना चाहिए. एरिदमिया क्या है, कार्डियक रिदम अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो उसे हम एरिदमिया कहते हैं. डिस्टर्बेंस इन द कार्डियक रिदम आर टर्म्ड एज एरिदमियास. कार्डियक रिदम का डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है, एबनॉर्मेलिटी इन साइट ऑफ ऑरिजिन ऑफ इम्पल्स, इट्स रेट, रेगुलरिटी और कंडक्शन, कि जहाँ से इम्पल्स ऑरिजिनेट हो रही है उस जगह पे कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, उसकी रेट में, इम्पल्स की रेट में, उसकी रेगुलरिटी में, उसके कंडक्शन में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ रही है, यानी रिदम बिगड़ रही है हार्ट की, तो उसको एरिदमिया कहते हैं. एरिदमिया के टाइप देखिए, दो तरह का एरिदमिया होता है, टैकी एरिदमिया एंड ब्रैडी एरिदमिया. टैकी का मतलब होता है हार्ट रेट का बढ़ जाना, और हार्ट रेट बढ़ जाने की वजह से एरिदमिया हो गया तो वो टैकी एरिदमिया कहलाता है, और अगर हार्ट रेट के कम होने से एरिदमिया हो रहा है तो ब्रैडी एरिदमिया या साइनस ब्रैडीकार्डिया भी इसे कहा जाता है. साइनस ब्रैडीकार्डिया एक्चुअली इसके एग्जांपल के अंदर आता है. देखिए अब टैकी एरिदमिया जो है वो फिर फर्दर डिवाइड होता है 3 क्लासेस में, आर्टेरियल, एवी नोड एंड वेंट्रिक्युलर. आर्टेरियल में साइनस टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लूटर, एट्रियल फाइब्रिलेशन, सुप्रा वेंट्रिक्युलर टैकीकार्डिया, ये 4 आते हैं एट्रियल के अंदर. एवी नोड में आता है नोडल टैकीकार्डिया. वेंट्रिक्युलर में 3 तरह के, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिक्युलर फ्लूटर, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन यानी VF. अब देखिए अपन ड्रग्स पढ़ते हैं, ड्रग्स यूज इन कार्डियक एरिदमिया. तो एंटी एरिदमिक ड्रग्स भी अपन इनको कह सकते हैं. एंटी एरिदमिक ड्रग्स वो होती हैं जो हम कार्डियक रिदम को ठीक करने के लिए, उसकी इरेगुलरिटी को ठीक करने के लिए या इरेगुलरिटी उसमें ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ में लेते हैं उसको अपन एंटी एरिदमिक ड्रग्स कहते हैं. एरिदमिया सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है कार्डियक डेथ का, सडन कार्डियक डेथ का सबसे बड़ा कॉज एरिदमिया है. लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डेथ इसकी वजह से कॉज होती है. मैकेनिज्म दे रखे कार्डियक एरिदमिया का कि क्या होता है, पेस मेकर की एक्टिविटी बढ़ जाती है, या डीपोलराइजेशन के बाद ऐसा हो सकता है, या री एंट्री की वजह से ऐसा हो सकता है. अब ये मैकेनिज्म यहाँ पर दे रखी है, आप खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, हमारे को इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपना इतना सिलेबस में है नहीं. ये सारी जो अपन ने 3 नाम लिए, तीनों का मैकेनिज्म इसके अंदर बताया गया, री एंट्री वगैरह सबका. अब ये कौन कौन से कार्डिक एरिदमिया है इसको ज़रूर आप देख लीजिए. ES एक्स्ट्रा सिस्टोल्स हैं, पैरोक्सिस्मल सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया PSVT, AFI एट्रियल फ्लूटर, एट्रियल फाइब्रिलेशन, AF, जो मैंने अभी ये सारे नाम लिए थे ना, 3 तरह की कैटेगराइज मैंने इसको किया था कि टैकी एरिदमिया के टाइप्स है वो यही टाइप्स है सारे के सारे. वेंटिकुलर टैकीकार्डिया VT, टॉर्सेट्स डी पॉइंट्स, वेंटिकुलर फाइब्रिलेशन VF, एट्रियो वेंटिकुलर AV ब्लॉक. इसमें फर्स्ट डिग्री का AV ब्लॉक, सेकंड डिग्री का और थर्ड डिग्री का AV ब्लॉक हो सकता है. अब ये कार्डिक एरिदमी का डायग्रामेटिकली बताया गया कि कैसे आपको ये दिखेगा, कैसे आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो, हार्ट रेट के साथ में पूरा समझाया हुआ है. ये देखिए यहाँ एंटी एरिदमिक ड्रग्स बताई गई हैं, इसकी कैटेगरी आप पढ़ सकते हैं. मैं इसके साथ में कैटेगरी जो है वो बोल करके बता देती हूँ, जैसे जो नाम यहाँ नीचे भी दिए हुए आप देख सकते हो,
AFDF, AFI, PSVT ये सारे नाम दिए हुए हैं कि किस किस में कौन कौन सी ड्रग्स देनी है। तो देखिए PSVT जिसको पैराक्सिस्मल सुपराविकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, उसमें एडिनोसिन, इस्मोलॉलॉल, वेरापामिल, डिजॉक्सिन दे सकते हो। AF यानी एट्रियल फाइब्रिलिएशन में इस्मोलॉल, वेरापामिल, डिजॉक्सिन, अमायोडायरोन दे सकते हैं। AFI में एट्रियल फ्लूटर में इस्मोलॉलॉल, वेरापामिल, डिजॉक्सिन और अमायोडायरोन। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर लिग्नोकेन, प्रोकेनामाइड, अमायोडायरोन दे सकते हो। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलिएशन में लिग्नोकेन, अमायोडायरोन दे सकते हो। और AV ब्लॉक के अंदर एट्रोपिन और आइसोप्रिनालिन देते हैं हम दवाई। ड्रग्स यूज टू रिस्टोर नॉर्मल रिदम आर नोन एज एंटी एरिदमिक ड्रग्स। भाई नॉर्मल रिदम को रिस्टोर रखने की जो दवाइयाँ जाती हैं उन्हीं को अपन क्या कह रहे हैं, एंटी एरिदमिक एजेंट्स या ड्रग्स कह रहे हैं। एंटी एरिदमिक ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट एरिदमिया, एरिदमिया को ट्रीट या रोकने के लिए अपन एंटी एरिदमिक ड्रग्स देते हैं। मोस्ट एंटी एरिदमिक ड्रग्स आर ड्यू टू री एंट्री फिनोमेना, मोस्ट ऑफ द टैकी एरिदमियाज आर ड्यू टू री एंट्री फिनोमेना। अधिकतर जो टैकी एरिदमिया होता है वो री एंट्री फिनोमेना, री एंट्री फिनोमेना अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इस वाली स्लाइड मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये री एंट्री फिनोमेना दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि कैसे रिपीटेटिव एक्टिवेशन हो रहा होता है, उसकी ज़रूरत होती है, री एंट्रेट एरिदमिया क्या होता है, आप डायग्राम इसको देख सकते हैं। तो अधिकतर इस री एंट्री की वजह से ही एरिदमिया जो है वो कॉज होता है। अब इसके बाद देखिए एंटी एरिदमिक ड्रग्स जो हैं, जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मैं इन सब चीज़ों को शॉर्ट में बता देती हूँ आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल में बता रखा है और आपके एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 4 मार्क्स से 5 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आता, तो उसमें अपन इतना नहीं लिख पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं होता। टाइम क्यों नहीं होता, जैसा आपको पता है कि भाई ये एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फार्माकोलॉजी का, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स, तो हमें टाइम को मैनेज करते हुए आंसर लिखना है। तो मैं आपको बता रही, देखो क्वेनिडिन ड्रग, एंटी एरिदमिक ड्रग्स हम स्टार्ट करें जिसमें सबसे पहली ड्रग है क्वेनिडिन। ये क्या करती है, ये एक्साइटेबिलिटी को कम कर देती है और कंडक्शन वेलोसिटी को स्लो कर देती है। क्वेनिडिन हार्ट की एक्साइटेबिलिटी को कम करती है और कंडक्शन वेलोसिटी को भी स्लो कर देती है, जिसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रैडीकार्डिया, कंजेसिव कार्डियक फेलियर, हार्ट ब्लॉक और एरिदमिया कॉज हो जाता है। ये कौन से पेशेंट्स को दी जा सकती है, तो एट्रियल फाइब्रिलिएशन के केस में हम दे सकते हैं, एट्रियल फ्लूटर यानी AFI के केस में, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर ये दवाई अपन दे सकते हैं। तो 3 में दी जा सकती है, AFI एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इट्स यूज हैज़ डिक्लाइंड, आजकल हम इसका यूज़ थोड़ा कम कर रहे हैं क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर एंटी एरिदमिक ड्रग्स, भाई पहले अपन इसको काम में लेते थे क्वेनिडिन को, पर आजकल बहुत ज़्यादा ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है इसलिए हम इसको काम में नहीं लेते हैं या कम लेते हैं। तो एक क्वेनिडिन आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद दूसरी ड्रग है प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड इट्स इफेक्ट्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ क्वेनिडिन बट इट हैज़ नो एंटी कोलिनर्जिक एंड अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग इफेक्ट। हालांकि क्वेनिडिन के जैसी है, पर ना तो इसमें एंटी कॉलर्जिक इफेक्ट है ना अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग इफेक्ट है। ये ओरल रूट से बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए हम इसको ओरल रूट से तो देते हैं क्योंकि अच्छी एब्जॉर्ब हो जाती है, इसके अलावा हम इसको IV और IM रूट से भी दे सकते हैं। इसके अलावा हाइपोटेंशन और हार्ट ब्लॉक जो है इसके मेन एडवर्स इफेक्ट होते हैं अगर हम IV इस ड्रग को दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रोकेनामाइड थेरेपी जो है अक्सर प्रोड्यूस कर देती है ल्यूपस लाइक सिंड्रोम को आर्थ्रेलजिया के साथ में, आर्थ्रेलजिया, आर्थराइटिस हो जाती है, ल्यूपस लाइक सिंड्रोम पेशेंट के अंदर इसके एडवर्स इफेक्ट के रूप में देखने को मिल रहे होते हैं। इसके अलावा इसका मेनली यूज़ वेंट्रिकुलर एरिदमिया में किया जाता है, अगर किसी को एक्यूट MI के साथ में वेंट्रिकुलर एरिदमिया हो गया हो तो लिग्नोकेन अगर इनइफेक्टिव हो जाती है तो प्रोकेनामाइड का यूज़ अपन करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है अपनी डाइसोपायरामाइड, अपन देख लेते हैं कि डाइसोपायरामाइड का क्या खासियत है। तो देखिए डाइसोपायरामाइड जो है
डाइसोपारामाइड के बाद मैं आपको ये लिडोकेन बता दूंगी, पहले डाइसोपारामाइड के बारे में सुनिए। ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देती है। अगर हम इसको ओरली दे रहे होते हैं वेंटिकुलर एरिदमिया को ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं, एट्रियल फाइब्रिलेशन के लिए दे सकते हैं और फ्लूटर के लिए दे सकते हैं। इसमें एंटीकोलर्जिक साइड इफेक्ट जैसे कि यूरिन रिटेंशन होने लग जाएगा, भाई यूरिन पास नहीं होगा, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें पहले से कोई प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है, बीएचपी है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, या मुंह सूखने लग जाता है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। इसके अलावा ये ग्लूकोमा को भी प्रेसिपिटेट करने की एबिलिटी रखता है। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग आ रही है आपकी लिग्नोकेन। ये काफ़ी पॉपुलर लोकल एनेस्थेटिक है एंटी एरिदमिक एक्टिविटी के लिए। ये वेंट्रिकल की एक्साइटेबिलिटी को डिप्रेस करती है, पर ओरली ये इफ़ेक्टिव नहीं होती क्योंकि इसका बहुत तेज़ी से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, इसलिए हम इसको आईवी रूट से देते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट मेनली सीएनएस से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सर में दर्द होने लग जाएगा, ड्रॉजीनेस हो जाएगी, निस्टैग्मस में क्या होता है, इनवॉलंटरी आई मूवमेंट देखने को मिलता है, जैसे बहंगापन होता है वैसा कुछ होने लग जाता है कि आंखें अपने आप ऑटोमेटिकली हिलने लग जाती है इधर उधर, धुंधला दिखाई देने लगेगा, पर्सन को कन्फ्यूजन होगा, ट्विचिंग और कन्वल्जन होंगे। मतलब द एडवर्स इफेक्ट्स आर मेनली रिलेटेड टू सीएनएस, दैट इज हेडेक, ड्रॉजीनेस, निस्टैग्मस, ब्लड वीजन, कन्फ्यूजन, ट्विचिंग एंड कन्वल्जन्स। इन हाई डोजेज लिग्नोकेन मे कॉज हाइपोटेंशन ड्यू टू मायोकार्डियल डिप्रेशन, क्योंकि ये मायोकार्डियल को डिप्रेस करती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि लिग्नोकेन की हाई डोज लेने पर बीपी एकदम लो हो जाए। पर एमरजेंसी अगर अपन को वेंटिकुलर एरिदमिया को ट्रीट करना है तो ये सबसे अच्छी डोज मानी जाती है। नेक्स्ट है मैक्सिलेटिन। जैसा आपको दिखाई दे रहा है मैक्सिलेटिन ड्रग अपन देख रहे हैं, ये सारे यहाँ ड्रॉजीनेस वाले जो मैंने आपको बताया एडवर्स इफेक्ट इस स्लाइड के अंदर दिए हुए हैं। मैक्सिलेटिन का जो एक्शन है वो लिग्नोकेन के जैसा ही है, इसीलिए मैंने इसके साथ में आपको बताया हुआ है, लिग्नोकेन को लिडोकेन इन्होंने बताया हुआ है, तो लिग्नोकेन के जैसा ही है। इसको अपन ओरली यूज़ कर सकते हैं और पैरेंटरली भी इसको यूज़ कर सकते हैं वेंटिकुलर एरिदमिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग आती है फ्लिसेनाइड और प्रोपेफिनॉन ड्रग। ये क्या करती है, दे डिप्रेस कंडक्शन इन द कार्डियक टिश्यू, कार्डियक टिश्यू में कंडक्शन को ये कम कर देगी। सो दे आर यूजफुल इन पेशेंट्स विद सुप्रा वेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर एरिदमिया, उसमें अच्छी सुप्रा वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर एरिदमिया में काफ़ी अच्छी ड्रग है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो रहे होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं भाई, सर दर्द होएगा, ब्लड वीजन, धुंधला दिखाई देगा, नोजिया, वॉमिटिंग हो जाएगी। साइड इफ़ेक्ट्स आर ब्लड वीजन, हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग। प्रोपेफिनॉन कैन प्रेसिपिटेट ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म में भी प्रोपेफिनॉन दिया जा सकता है। नेक्स्ट ड्रग्स आ रही हैं अपनी बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में आप देखिए आपने पढ़ रखी हैं प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल, एस्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल, सोटालोल, ये सारे की ड्रग्स आ रही होती हैं, ये सब बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। दे ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ कैटेकोलामाइंस ऑन द हार्ट, हार्ट पर कैटेकोलामाइन के इफेक्ट को ये ब्लॉक कर देगी, ड्यू टू विच हार्ट रेट डिक्रीजेस एंड एक्साइटेबिलिटी ऑफ द हार्ट अकर, डिप्रेस एवी कंडक्शन, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, भाई हार्ट रेट कम हो जाएगी, हार्ट में एक्साइटेबिलिटी होगी, एवी कंडक्शन कम हो जाएगा और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर को अपन AF, AFI, PSVT में दे सकते हैं, मतलब एट्रियल फाइब्रिलेशन, एट्रियल फ्यूटर और पैरोक्सिस्मल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर अपन ये ड्रग दे सकते हैं। इंट्रावीनस एस्मोलॉल जो होता है वो एमरजेंसी में काम में लेते हैं वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करने के लिए। AF, AFI, PSVT में अगर आप दे रहे हो और वेंट्रिकुलर रेट कंट्रोल नहीं हो रहे तो एमरजेंसी में अपन इस्मोलॉल को आईवी इंसर्ट करते हैं, जबकि सोटालॉल जो है उसको यूज़ करते हैं वेंट्रिकुलर टैकी एरिदमिया अगर लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, जानलेवा बन जाता है कि लग रहा है कि पर्सन को बचाना मुश्किल हो गया, तो सोटालॉल का यूज़ किया जाता है। ख़त्म ये वाली ड्रग। नेक्स्ट आ रही है अमायोडेरॉन। ये नई ड्रग है एक्चुअली, अभी नई ही इसको हमने डिस्कवर किया, पुराने बुक्स में आपको ये ड्रग नहीं मिलेगी, आप देख सकते हैं ड्रग्स को। तो अमायोडेरॉन, ड्रोनेडेरॉन, डोफिटेलाइड,
आइबोटिलाइड ये नई ड्रग्स हैं. इट इज़ स्ट्रक्चर रिलेटेड टू थायराइड हार्मोन. थायराइड हार्मोन के जैसी होती है. इट प्रोलॉन्ग्स द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ कार्डियक टिश्यू. इट इज़ इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर वेंट्रिक्यूलर एंड सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीएरिथमियास. इट कैन बी यूज्ड ओरली एंड इंट्राविनसली. ये थायराइड के जैसी दिखाई देती है. कार्डियक टिश्यू के रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ा देती है. सीवियर वेंट्रिकुलर या सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीएरिथमिया हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट में काफ़ी अच्छी साबित होती है. ओरली भी दे सकते हो, आईवी भी दे सकते हो. इसके एडवर्स इफेक्ट के रूप में जो है हाइपोटेंशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, कॉर्नियल डिपॉजिट्स, फोटो सेंसिटिविटी, डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है. देखिए ब्लू ग्रे कलर की स्किन हो जाती है, यानी स्किन डिसकलरेशन हो जाता है. तो इस तरह की कई चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती हैं अमायोडायरोन के साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में. अब इसके बाद ये जो ड्रग्स दे रखी हैं ये इसी अमायोडायरोन की कैटेगरी की हैं, तो आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा. हम इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं. ये सब तो हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट है वेरापामिल. वेरापामिल इट ब्लॉक्स कैल्शियम चैनल्स मेनली इन द हार्ट. इट डिक्रीजेस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट एंड स्लोज एवी कंडक्शन. कैल्शियम चैनल को ये ब्लॉक कर देती है, FOC हार्ट रेट को कम कर देती है, एवी कंडक्शन को थोड़ा स्लो कर देती है. इसका यूज़ अपन कर रहे होते हैं सुपरा वेंट्रिकुलर एरिदमिया के अंदर. इसको हम कभी भी बीटा ब्लॉकर्स के साथ कंबाइन करके नहीं देते हैं, क्योंकि नहीं तो इसका एडिटिव बिकॉज ऑफ द एडिटिव डिप्रेसेंट एक्शन ऑन द हार्ट. हार्ट में एडिटिव क्या होता है एक्चुअली, इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि जब दो ड्रग्स को मिलाया जाए और मिलाने की वजह से अगर कोई नुकसान हो रहा होता है तो वो जो नुकसान है उसको अपन, वो जो नुकसान हो रहा था दो ड्रग्स को, वो ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है. अगर हम दो ड्रग्स को मिला देंगे तब वो एडिटिव वर्ड के साथ हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, एडिटिव डिप्रेसेंट एक्शंस के, वो हार्ट को डिप्रेस कर देगा एडिटिव इफेक्ट के साथ में. इसलिए नेक्स्ट जो डिलिटायजम जो ड्रग आपके सामने लिखी हुई है डिलिटायजम, इसके फीचर्स पूरी तरह से वेरापामिल के जैसे ही होते हैं, बट इज़ कंपैरेटिवली लेस पोटेंट देन वेरापामिल. मेरा मिल के कंपैरिजन थोड़ी सी कम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा एडिनोसिन और एट्रोपिन ड्रग्स आती हैं, आप इसको देखें. ये तो कंपैरिजन इनका खैर बताया हुआ है. और नेक्स्ट जो है ड्रग अपन देखें तो देखिए आपके इसके अंदर डिजॉक्सिन दी हुई है. डिजॉक्सिन अपन देखें, उससे पहले थोड़ा सा कुछ और ड्रग्स भी मैं आपको बता दूँ. डिजॉक्सिन से पहले देखो एडिनोसिन और एट्रोपिन के बारे में देख लीजिए. या चलो एडिनोसिन आगे आ ही रही है, बाद में देख लेंगे. डिजॉक्सिन जो होती है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को इनहिबिट कर देती है और आर्टेरियल वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल्स के रिफ्रैक्टरी पीरियड को छोटा कर देती है. ऐसा इसका एक्शन है. डिजॉक्सिन का यूज़ अपन वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए, वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स रेट को कम करने के लिए AF और AFI के अंदर काम में लेते हैं. इंट्राविनस मैग्नीशियम सल्फेट अगर यूज़ कर सकते हो आप एरिदमिया के रूप में, तो ओरल मैग्नीशियम कभी भी इफेक्टिव नहीं होता एरिदमिया को सेट करने के लिए. पॉइंट इसमें हाईलाइट करके बताया हुआ है. अब ये मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में बता रहे हैं, सोडियम कैल्शियम पोटेशियम, क्योंकि वो उसी चैनल के थ्रू वर्क कर रहा था, तो ये कैसे मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं बात बताई गई है. नेक्स्ट ड्रग देखिए एडिनोसिन. नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियोसाइड है ये. एक तो ये AV नोड में कंडक्शन को कम कर देता है. इसको इंट्राविनसली एडमिनिस्टर किया जाता है. सुपरा वेंट्रिकुलर एरिदमिया में इसका यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज इन सुपरा वेंट्रिकुलर एरिदमिया. इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है एडिनोसिन का 1 मिनट से भी कम का है. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 1 मिनट से भी कम का, लेस देन 1 मिनट. साइड इफेक्ट के रूप में AV ब्लॉक हो जाता है, ब्रोंको स्पाज़म हो जाता है, चेस्ट पेन हो जाता है, डिसनिया देखने को मिल रहा होता है, फ्लशिंग, हाइपोटेंशन और हेडेक. देखिए जो मैंने बताया वो मैंने क्या बताया, ABCDFH ये पॉइंट्स बताए. ABCDFH AV ब्लॉक करता है, B ब्रोंकोस्पाज्म, C से चेस्ट पेन, D से डिसनिया, F से फ्लशिंग.
एच से हाइपोटेंशन एंड हेडेक कॉज कर देता है। तो ये एडिनोसिन के साइड इफेक्ट्स हैं। इसके बाद लास्ट ड्रग आप देख लीजिए एट्रोपिन, जिसको अपन ब्रैडीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए काम में ले रहे होते हैं। सारी अपन ने टैकीकार्डिया वाली पढ़ी ड्रग्स अभी तक, एक ब्रैडीकार्डिया के लिए है एट्रोपिन। ये एवी ब्लॉक और ब्रैडीकार्डिया के लिए काम में लेते हैं क्योंकि वेगल ओवर एक्टिविटी होती है इसकी, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, डिजिटलिस, टॉक्सिसिटी वगैरह इसमें इससे जुड़ी हुई है। तो ये ड्रग्स आपकी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर ये पूरा चार्ट दिया हुआ है एंटी एरिदमिक ड्रग्स जो अपन कार्डिक एरिदमिया में दे रहे होते हैं, उसकी क्या क्या खासियत है, कैसी कैसी खासियत है वो आप देख सकते हैं। ये खुद से देख लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने बताई है वही है, उसमें सीधा सीधा नाम बता रखा है कि कौन किसको कैसे कंट्रोल कर रहा है या रेगुलेट कर रहा है, इस चार्ट के अंदर दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। चार्ट बनाया इसीलिए जाता है ताकि ड्रग थोड़ी सी ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद यही बताया भाई क्लिनिकल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, सेकेंड इवेंट में, फर्स्ट इवेंट में, जैसे एंजाइना, MI, कंजेसिव हार्ट फेलियर वगैरह सबका दिया हुआ है, स्ट्रोक वगैरह का, सब क्लिनिकल डिजीज़ के नाम दिए हुए हैं। रिस्क फैक्टर ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल फैक्टर्स हैं, जैसे ट्रेडिशनल में तो एज की वजह से कार्डियक डिजीज़ हो सकती है, फैमिली के कारण, हिस्ट्री के कारण, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडेमिया, डायबिटीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी की वजह से। नॉन ट्रेडिशनल में साइको सोशल स्ट्रेस हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हम इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन, शुरुआत में ही हम अगर ध्यान दे लें तो भाई अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, तो हम इसको रोक सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है। इसके बाद आपका ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया है। इस टॉपिक के अंदर जो हमने ड्रग्स पढ़ी हैं, कौन सी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ टॉपिक हमने पढ़ा, इसके अंदर एक टॉपिक आता है शॉक। शॉक जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को पैथोलॉजी के अंदर पढ़ाऊंगी, इसलिए हम इस चैप्टर के अंदर इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा दैट इज़ ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे लिख करके भेजें, क्योंकि हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। ANS ख़त्म हो गया, कार्डियोवैस्कुलर ख़त्म हो गया, रीनल ख़त्म हो गया, तीन चैप्टर्स हमने बड़े वाले कर लिए, अब CNS बाकी जो हमारे को करना है। तो आप अपने डाउट पूछिए मुझसे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।